नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चंस देख चुके हैं, आज हम 301 से बात करेंगे। 301 का क्वेश्चन है आपका, कच्ची चीज़ों को रंगबिहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीज़ों को रंगबिहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है चीनी का चारकोल। क्या होगा 301 में? सी ऑप्शन सही, चीनी का चारकोल। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है ग्रेफाइट की, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो इसमें आपका स्टार्च नहीं है, यूरिया है, स्टाइरीन है, विनाइल क्लोराइड भी है। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है चार, कर्पूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये आपकी उद्योत्पादन द्वारा, ये ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है उसमें? तो याद रखना कार्बन, पांच में बी होगा। क्वेश्चन है हमारा छठवां, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो ये था आपका यूरिया। छठवें क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशमक। साथ में आपका ए होगा। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आठवें में आपका सी। क्वेश्चन है नौ, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण आपका किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नौवे में आपका डी होगा। क्वेश्चन है दस, सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एसीटम। ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन की, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। 11 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 12, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन की, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में आपका ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। 14 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 15, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रया बनी होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ए ऑप्शन सही है 15 में।
क्वेश्चन है 16। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो आपको याद रखना, यूरिया में। किस में होता है? यूरिया में, यूरिया में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 17। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? तो ये आपका बेंजीन। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 18। गैमेक्सीन है एक कीटाणुनाशक। बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 19। निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कॉपर। 19 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 20। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने की आभूषण बनाते समय उसमें आपकी तांबा मिलाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? ये आपकी विल्सन बीमारी। क्या हुआ? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 22वां। तांबा का शत्रु तत्व है? गंधक। 22 में आपका डी। क्वेश्चन है 23। नीला थोथा है आपका कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ये है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता देना है, कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का। 24 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है? तो ये आपका जिंक ब्लेंड। सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन की। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो इसका होता है यसत लेपन। 26 में आपका ए ऑप्शन होगा। बात करते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन की। क्या है 27वां आपका? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग आपका जस्ता की कमी के कारण होता है। 27 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 28। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की। चूहों को मारने की दवा है आपकी जिंक फॉस्फाइड। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है? जिंक फॉस्फेट। सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है? तो ये आपका अर्जेंटाइट। ए ऑप्शन सही है। 32 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये आपकी चांदी। 32 में आपका ए है। क्वेश्चन है 33। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है?
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 34वां क्वेश्चन, किंतिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किंतिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड, 34 में डी होगा। क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो ये याद रखना सोना, 35 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखना ये है आपका सोना, सोना धातु है ये, सोना कोई बाबू सोना नहीं है, याद रखिए फिर आप लोग बाबू सोना समझ लें। क्वेश्चन है 37, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने वाले जाने योग्य धातु है आपकी? सोना। क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म, 38 में आपका बी है। क्वेश्चन है 39, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यदि कहते हैं उद्भवपातन, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ये आपका व्यूटेन, 32 क्या है 40 में बी, 40 में आपका बी हो गया। क्वेश्चन है 41, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है आपका पेट्रोलियम, 41 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 42, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है चेन आइसोमर, 42 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका 43, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है किसका मिश्रण है? तो याद रखना है हाइड्रोकार्बन का, क्या होगा आपका 43 में सी। क्वेश्चन है 44, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड, टेट्रा इथाइल, क्या होगा 44 में सी। क्वेश्चन है हमारा 45, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम, 45 का ए है। क्वेश्चन है 46, व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? तो पेट्रोलियम से, याद रखना व्यापारिक वैसलीन आपका पेट्रोलियम से निकलता है, निकाला जाता है जो भी है। क्वेश्चन है 47, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ये आपका ऑक्टेन, पेट्रोल का मुख्य संगठन आपका ऑक्टेन है। क्वेश्चन है 48, मिथेन अणु की आकृति होती है सम चतुष्फलकीय, बात करते हैं 49, मिथेन अणु की आकृति होती है सम चतुष्फलकीय, देख ही चुके हैं।
क्वेश्चन है हमारा 50। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। 50 में आपका सी। क्वेश्चन है 51। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। क्वेश्चन है हमारा 52। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है तो मीथेन, सबको पता होगा। गोबर गैस में आपका मुख्यतः रूप से पाई जाती है मीथेन। क्वेश्चन है 53। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? एसिटिलीन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली पेसेली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली पेसेली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है आपकी एसिटिलीन से। क्या होगा? बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 55। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है? एसिटिलीन। 55 में आपका सी। क्वेश्चन है 56। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा पीसी तक उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका फियोन। क्या है? फियोन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 57। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? ये आपकी ईथेन। बात करते हैं 58 क्वेश्चन। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 59। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? यह आपका पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन है 60। लाह एक है प्राकृतिक बहुलक। क्या है 60 में? ए। क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसी आयरन और यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? यह ऑक्जेलिक अम्ल। 61 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यूरिया है ये आपका 62 में बी। क्वेश्चन है 63। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो याद रखिए 46%, 46%। क्वेश्चन 64। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? ये था आपका रियोन। क्वेश्चन 65। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। 65 में बी होगा। क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ये नायलॉन नहीं है, चमड़ा है, ऊन है, रेशम है, तो इसमें क्या होगा? सी। बात करते हैं 67वां क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का,
आइसोप्रीन का। बात करते हैं 68वें क्वेश्चन की। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन है 69, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? लेटेक्स। सत्तर क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल का सेवन करने का पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर, किस पर? लीवर पर। क्वेश्चन है 71, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांशतः कोयला होता है बिटुमिनस, कैसा होता है बिटुमिनस प्रकार का? क्वेश्चन है आपका 72, मोटर कारों की धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है, यह है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। 73 क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी ऑप्शन सही है। 74, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 75, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है, ये भी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन है 76, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है? प्रकाश संश्लेषण। 76 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 77, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 78, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्वेश्चन है आपका 79, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है, ये बनाती है कार्बोनिक अम्ल, ए ऑप्शन सही है। 80 क्वेश्चन, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2, क्या है? CO2। क्वेश्चन है 81, न्यूट्रिनो के खोज करता है पावली। क्वेश्चन है 81, मेसोन के खोज करता है युकावा। युकावा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 83, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपको याद रखना 8 हो सकती है। बात करते हैं हम लोग 84, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार इसका 12 है, 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपको बता देना है 6, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 85वें क्वेश्चन की, किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी?
तो उसकी होगी 4। 85 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है 86, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। 86 में सी। क्वेश्चन है हमारा 87, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? पोटेशियम है, प्रोटीमियम है, ट्राइटेनियम है, इट्रियम नहीं है, इट्रियम नहीं है, तो इसमें क्या होगा? सी। क्वेश्चन है 89, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो याद रखना न्यूक्लियन की। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 90, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो ये आपकी मीथेन। क्वेश्चन हमारा प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये था आपका मस्टर्ड गैस। क्या था? 91 में ए सही है। बात करते हैं 52वें क्वेश्चन। जल में विलेय है, जल में विलेय है आपका एथाइल एल्कोहल। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 93, शराब में उपस्थित रहता है एथाइल एल्कोहल। 93 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 94, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तिहाई। क्वेश्चन है हमारा 95, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार होगा? 28। क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 96, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दोगुना। 96 में आपका ए है। क्वेश्चन है 57, 97, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ना हो? 97 में आपका बी। क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित तो रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो ये आपका फ्लोरीन। 98 में आपका सी है। क्वेश्चन है 99, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे आपके ग्राहम। 99 में बी। क्वेश्चन है 400 का, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना क्या है? सक्रियण ऊर्जा। तो ये थे आपके 400 क्वेश्चंस रसायन विज्ञान से संबंधित। ठीक है, 401 से हम लोग आगे बात करेंगे।